अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रेशर के बारे में कि थ्रेशिंग क्या होती है और थ्रेशिंग मशीनरी कौन सी होती है। कि सिंपली हमने इसकी डेफिनेशन जो थ्रेशिंग की है वो पिछले लेक्चर में भी बताई थी, तो अभी दोबारा बता देता हूँ कि जो ग्रेन होते हैं किसी भी क्रॉप के, तो उसको स्ट्रॉ से अलहदा करने का जो अमल होता है वो होता है थ्रेशिंग। पाकिस्तान में जो मेनली यूज़ होती है थ्रेशिंग के लिए वो कॉमन यूज़ होती है स्टेशनरी थ्रेटर, सॉरी थ्रेशर। अब स्टेशनरी थ्रेशर जो है, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैंने इसकी जो डायग्राम है वो मैंने दिखाई हुई है। इसके अंदर जो है ना, रबिंग एंड बीटिंग एक्शन होता है बिटवीन द थ्रेशिंग ड्रम एंड कनकेव स्क्रीन। ये दोनों जो उसके पार्ट हैं उनके अंदर रबिंग एंड बीटिंग एक्शन की वजह से ये थ्रेश्ड होते हैं जो ग्रेन वगैरह। जो थ्रेशिंग ड्रम है उसमें जो है ना, स्पाइक्स या पैग्स वगैरह जो कटर्स होते हैं उनको कहते हैं, तो वो अरेंज्ड होते हैं और इनका जो अराउंड द सरकमफेरेंस वो स्टैगरिंग करते हैं ताकि ग्रेन अलहदा हो सके। ये स्टेशनरी थ्रेशर है, एक उसके पार्ट्स हैं ये वी बेल्ट पुली, ये वो पिछली तरफ होती है उसकी, इसके साथ हम बेल्ट जुड़े होते हैं और जो है ना ये सारे, ये जो जा रही है कि शाफ्ट का कह सकते हैं इसको, ये इसको घुमाती है और ये सारे इसके अंदर से जो एक्शन होता है ये रोटेट होता है। तो ये है थ्रेशिंग सिलेंडर, ये मेन शाफ्ट हो गई और इसको कहते हैं ब्लोअर हाउसिंग, ये जो हवा और प्रेशर है वो कंट्रोल करता है और जो है ना थ्रेशिंग के अमल में हेल्प करता है। ये शाफ्ट बेयरिंग है, ये जो है ना शाफ्ट को बेयर करते हैं और इसका जो जो उसको कहते हैं शॉक वगैरह जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ये भी बेयरिंग है यहाँ पे, और फ्लैट बेल्ट पुली, ये पुली है जो उसके साथ ट्रैक्टर के साथ आगे जुड़ती है जाके। ये फ्लाई व्हील है, ये मेन शाफ्ट, इसके अंदर जो है कनकेव स्लीव वगैरह इसके अंदर होंगे जो कि वो ग्रेन्स को अलग करेंगे स्ट्रॉस से, और इसके अंदर स्ट्रेनर वगैरह होगा जो कि ना स्टायर करेगा और स्ट्रेन ग्रेन्स एक साइड पे जाएंगे और दूसरा जो स्ट्रॉस है वो दूसरी साइड पे जाएगा, और वो डेंसिटी की बेस पे जो है ना, इसके जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सेपरेट हो जाएगा। क्लियरेंस बिटवीन कनकेव्स एंड थ्रेशिंग ड्रम्स प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन द थ्रेशिंग। वो क्लियरेंस एक वॉल्यूम होता है जो उसके थ्रेशिंग ड्रम के दरमियान और कनकेव के दरमियान होता है, तो ये थ्रेशिंग में मेन इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। टू लिटिल क्लियरेंस टेंड्स टू ब्रेक, अगर क्लियरेंस जो उसका वॉल्यूम है ड्रम्स के दरमियान और कनकेव्स के दरमियान अगर कम है तो जो ग्रेन है जो दाना है उसके अंदर वो टूट जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो अनथ्रेश्ड रहेगा और उसके साथ जो स्ट्रॉज हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। द ग्रेन देन फेल्स ऑन दी सीव्स वेयर अंडर साइड सीड ऑफ द वीड्स, सॉरी जो पहला इसका जो है वो छोड़ दिया। द थ्रेश्ड ग्रेन फॉल थ्रू द होल्स ऑफ कनकेव, के जो थ्रेश्ड ग्रेन होते हैं वो होल्स बने होते हैं कनकेव के ऊपर, वो उनके जरिए गिरते हैं नीचे ऑन दी ऑन टू द ग्रेन पैन फ्रॉम वेयर इट फॉल थ्रू द एयर स्ट्रीम। ग्रेन पैन जो दानों वाले जो दाने के लिए जगह बनाई हुई होती है, पैन होता है उसके ऊपर गिरते हैं, तो देन ये एयर स्ट्रीम के गुजरते हैं और स्ट्रॉ जो इससे होते हैं वो अलहदा होते हैं और जो ब्लोअर के जरिए वो अलहदा हो जाते हैं और जो ग्रेन होते हैं वो अलहदा हो जाते हैं। देन द ग्रेन देन फॉल्स ऑन द सीव्स वेयर अंडर साइड सीड्स ऑफ वीड्स आर पास डाउन ड्यू टू शेकिंग मैकेनिज्म। जो सीव्स होते हैं वो शेकिंग मैकेनिज्म होते हैं, एक उधर ऐसे एक्शन कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे हिल रहे होते हैं या दाएं बाएं, तो जो अंडर साइड सीड्स वगैरह के जो होते हैं वीड्स वगैरह के सीड होते हैं, जैसे एक तो गंदम हो गया, गंदम के अलावा कोई चीज़ है तो वो हमारे लिए वीड होगा, तो वो नीचे गिर जाते हैं और जो ग्रेन बाकी बच जाता है वो अलग हो जाता है।
सेटिंग द थ्रेशर मशीन। अब हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी फार्मर के लिए या जो थ्रेशर को यूज़ कर रहा है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक जुज है कि जो थ्रेशर है, मशीन है, उसको सही लेवल पे सेट करे ताकि वो अपनी एफिशिएंसी बेहतर दे और अच्छे तरीके से काम करे। ये ना हो कि लेवल उसको ख़राब हो और कोई उसमें खराबी आ जाए। सिलेक्ट लेवल ग्राउंड फॉर इंस्टॉलिंग दिस थ्रेशर विद द ओरिएंटेशन ऑफ ब्लोइंग द भूसा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ विंड। के आप पहले तो ज़मीन को जो है ना लेवल करें, और जहाँ पे आपने थ्रेशर को खड़ा करना है, फिर आप जो है ना विंड की डायरेक्शन देखें, हवा की डायरेक्शन किस तरफ है, तो हमने उसी तरफ का उसके भूसे का जो है ना ब्लोअर का मुंह कर खड़ा कर देना है ताकि भूसा उसी तरफ जाए। इफ द मशीन इज नॉट लेवल इट डज नॉट वर्क एफिशेंटली, पार्टली बिकॉज द ग्रेन इज नॉट स्प्रेड मोर यूनिफॉर्मली ओवर द राइडल्स एंड विल नॉट मूव फ्रीली डाउन द कलेक्टिंग बोर्ड। कि अगर मशीन जो है हमारे थ्रेशर वो अगर लेवल पे नहीं होगी तो इसका मतलब है कि ग्रेन अपनी जगह पे सही तरीके नहीं आएंगे और हमें एफिशिएंसी उसकी सही नहीं मिलेगी। अब जो है थ्रेशिंग प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। के थ्रेशिंग के दौरान हमें जो है ना मसले क्या होते हैं, थ्रेशर के अंदर क्या मसला होता है और फार्मर को क्या प्रॉब्लम्स से फेस करनी पड़ती हैं और उसका जो सलूशन क्या है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ओवरलोडिंग ऑफ द पावर सोर्स। ये हो सकता है कि आप ओवरफीडिंग कर रहे हो, जो रेट है उसका थ्रेशर में डालने का, उसको स्ट्रॉज विद ग्रेन को अपने क्रॉप्स का जो है उसको डालने का, आप उससे शायद ज़्यादा कर रहे हो तो ओवरलोडिंग का पावर सोर्स हो जाएगा। या इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, आप उसके पार्ट्स के जहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह होती है तो उसकी जो लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर नहीं कर रहे, तो भी ये हो सकता है। इग्नोरेंस ऑफ पावर रिक्वायरमेंट्स। एक थ्रेशर है, वो उसके एक मुकर्रा जो है आपने उसके अंदर जो फीडिंग करनी है उसके मुकर्रा रेट है और उसके मुताबिक उसको पावर चाहिए। अगर आप फीडिंग ज़्यादा कर रहे हैं और उसके पावर कम दे रहे हैं तो फिर भी ओवरलोडिंग ऑफ द पावर सोर्स हो जा सकती है। बाज़ का जो ऑपरेटर होते हैं वो चाहते हैं कि मैं जो थ्रेशर है वो लो थ्रोटल पे उसको चलाऊं, पावर उसको कम दूं और मेरा जो खर्चा है फ्यूल कंजप्शन जो है वो कम हो और मैं उसको फीडिंग ज़्यादा दे के अपना खर्चा बचा लूं और मैं अपना प्रॉफिट कर लूं। लेकिन ये चीज़ जो है ना थ्रेशर के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और साथ ही साथ ट्रैक्टर के लिए भी नुकसानदेह है। थ्रेशिंग प्रॉब्लम एंड रेमेडीज में जो है वो सेकंड नंबर पे आता है ग्रेन ब्रेकेज। के दाना टूटता क्यों है, जो उसका जैसे गंदम है उसका दाना है तो वो ये टूटता क्यों है। इसमें पहले नंबर पे जो है हम लेस क्लियरेंस वॉल्यूम बिटवीन सिलेंडर एंड कनकेव, जो मैंने पहले आपको बताया है कि ये दो लेयर्स हैं, एक ऊपर सिलेंडर है और नीचे कनकेव है, तो इसके अगर दरमियान हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो दाना टूट जाएगा, अगर मेंटेन होगा मुताबिक होगा उसके तो दाना नहीं टूटेगा। तो हमें चाहिए कि हम उसके मुताबिक जो ऑब्जर्व करें, अगर दाना टूट रहा है तो फिर उसको क्लियरेंस वॉल्यूम उसका सही करें, जो मॉडरेट है वही करें। हाई स्पीड या बीटर स्पीड जो है ना हम उसका स्पीड को चेक करेंगे कि उसकी जो पीटियो शाफ्ट है वो कितनी तेज से घूम रही है, क्योंकि हमें डिफरेंट साइज़ के जो ग्रेन्स होते हैं जैसे ग्राम है या पी है मटर के लिए या चने के लिए या गंदम के लिए, तो हमें डिफरेंट टाइप की स्पीड चाहिए, डिफरेंट रेट की स्पीड चाहिए। जैसे कि हमारे पास अगर 300 से 400 रेवोल्यूशन पर मिनट है तो ये हमारी होगी वीट यानी गंदम की। अगर हमें चाहिए दूसरा ग्राम वगैरह की तो हमें 750 RPM रखनी चाहिए ताकि वो सही तरीके थ्रेशर काम कर सके।
अब ओवर फीडिंग शुड बी अवॉइडेड। ओवर फीडिंग वाला वही सेम प्रॉब्लम है, अगर हम ओवर फीडिंग करेंगे तो थ्रेशर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकेगी, जिसकी वजह से ग्रेन ब्रेकेज होगी। तो हम क्या करेंगे कि ओवर फीडिंग नहीं करनी चाहिए हमें। द ग्रेन शुड नॉट बी ड्राइड अप मोर, कि एक जो क्रॉप होता है उसका एक मॉइस्चर लेवल होता है, अगर वो मॉइस्चर लेवल से ज़्यादा ड्राइड हो गई है तो भी ग्रेन जो है ना उसके टूटेंगे, और अगर मॉइस्चर लेवल से कम ड्राइड है और उसके अंदर मॉइस्चर और जो पानी की मिकदार है वो ज़्यादा है, तब भी हमारे पास जो है जो ग्रेन आएंगे वो टूट के आएंगे, ब्रेकेज होगी उसकी। तो नॉर्मली जो है ना 12% जो मॉइस्चर लेवल है वो गुड रिजल्ट के लिए होता है। ग्रेन नॉट क्लीन, एक मसला आता है कि दाने जो है ना वो साफ नहीं आ रहे, उसके साथ भूसा आ रहा है और साथ ही दूसरे जो है ना वीड्स के सीड भी आ रहे हैं। तो उसके लिए पॉसिबल जो काजेज हैं वो ये हैं कि स्पीड ऑफ द ब्लोअर जो है ना लेस है देन रिकमेंडेड वन, कि हमें जो चाहिए उसके स्पीड कम है, तो हम उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करेंगे ब्लोअर की स्पीड को। ग्रेड ऑफ सीव्स नॉट बीइंग प्रॉपर, जो है ना हमारे पास जो ब्लेड्स हैं सीव्स हैं जो उसको घुमा रहे हैं कट कर रहे हैं उसके सट्राज को, और जो ग्रेन है उनको अलग कर रहा है, तो उसका जो है ना प्रॉपरली वो नहीं है, हमें ज़्यादा मिकदार वाले चाहिए या कम मिकदार वाले चाहिए, तो उसकी पावर उतनी नहीं है। हायर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द क्रॉप, ये फिर सेम वही इशू है कि क्रॉप जो है ना मॉइस्चर कंटेंट उसका ज़्यादा है तो फिर ये भी होगा कि ग्रेन क्लीन नहीं आएगा। हाइट ऑफ स्क्रीन इज लेस, कनकेव स्क्रीन या उसको क्लियरेंस जो है उसका ड्रम के दरमियान जो है ना वो कम या ज़्यादा स्क्रीन होगी हाइट, तो फिर भी ग्रेन क्लीन नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि उसको मॉडरेट करें और उसको करेक्ट करें। सीव चोक्ड जो है ना, हमारे जो सीव हैं उसके अंदर अगर लुब्रिकेशन ऑयल वगैरह लगा हुआ है तो हमें क्या चाहिए कि उसको साफ करें। अब फोर्थ नंबर पे है कि आउटपुट इज लेस, कि हम चाहते हैं, हमें पता है कि ये थ्रेशर जो है इतनी आउटपुट दे सकती है, लेकिन हम उसके मुताबिक पावर भी दे रहे हैं लेकिन आउटपुट लेस आ रही है, तो उसके लिए पॉसिबल कॉजेज क्या होंगी कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। द फीड रेट इज नॉट प्रॉपर, जो है हम फीड रेट उसको दे रहे हैं, जो हम उसके अंदर जो क्रॉप डाल रहे हैं थ्रेशिंग के लिए, तो वो प्रॉपर नहीं है, जो उसका रेट है उसके मुताबिक डालें तब भी वो जो उसका आउटपुट है वो मेंटेन होगा, अदरवाइज वो खराब होगा। स्पीड ऑफ ऑपरेशन, हम जो है ना ट्रैक्टर की पावर ज़्यादा दे रहे हैं और जो क्रॉप है वो कम डाल रहे हैं, या क्रॉप ज़्यादा डाल रहे हैं और पावर कम है, उसकी स्पीड जो आरपीएम है उनके सीव्स वगैरह के बहुत ज़्यादा जल्दी से तेज़ से घूम रहे हैं और हम उसके अंदर क्रॉप्स कम डाल रहे हैं, तब भी आउटपुट लेस होगी। फायर हैज़ार्ड, कि आग कैसे लगती है, आग लगने के कुछ चांसेस होते हैं कि नियर बाई कहीं पे जो है ना स्मोक, कोई सिगरेट पी रहा है या कोई स्मोकिंग, कोई वो है शोला भड़का है, तब भी हो सकता है। जो डायरेक्टर का सिलेंसर है उससे भी आग जो है ना निकल सकती है, क्योंकि वो स्पार्क उसका काज करता है, तो हमें स्पार्क अरेस्टर रखना चाहिए, उसके साथ यूज़ करना चाहिए ताकि हम आग से बच सकें। चोकिंग और ओवर हीटिंग ऑफ थ्रेशिंग ड्रम जो है ना वो भी हमें कंट्रोल करनी चाहिए। कंबाइन हार्वेस्टर, तो ये एक हार्वेस्टिंग की एक मशीनरी है जो मुझे शायद पिछले लेक्चर में पढ़ानी चाहिए थी, लेकिन मुझे उस टाइम याद नहीं आया तो अभी पढ़ा देता हूँ। तो ये है कि जी एक कंबाइन हार्वेस्टर है जो उसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग एंड दोनों इसका हो गया, क्या हार्वेस्टिंग भी करती है और थ्रेशिंग भी करती है, तो इसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना टूल्स वगैरह लगे होते हैं जो दोनों काम करते हैं। सेल्फ प्रोटोटाइप जो है ना कंबाइन हार्वेस्टर जो पाकिस्तान में यूज़ होते हैं वो सनफ्लावर राइस और वीट को थ्रेश करने के लिए और कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर जो
फंक्शन परफॉर्म करता है एट द वन टाइम। वो क्या होते हैं कि हार्वेस्टिंग भी करता है, कन्वेइंग ऑफ कट क्रॉप, जो कटेड क्रॉप है वो खुद कट करता है, तो वो पीछे की तरफ वो धकेलता है ताकि वो थ्रेश हो जाए और ग्रेन्स वगैरह अलग हो जाए और भूसा अलग हो जाए। फीडिंग करता है और उसके बाद थ्रेशिंग करता है, देन क्लीनिंग वगैरह का फंक्शन होता है उसका। फिर ये अब मैंने उसको दिखाया हुआ है, जो है एक डायग्राम है कंबाइन हार्वेस्टर की। ये रिवॉल्विंग व्हील है, ये कटिंग करता जाएगा और पीछे घुमाता जाएगा। ये जो बेल्ट हैं ये पीछे लेके जाते जाएंगे और जो है ना भूसा उनसे अलहदा हो जाएगा और ग्रेन अलहदा हो जाएंगे। ग्रेन का एक एलिवेटर होगा और भूसे का अलहदा होगा, ग्रेन अलहदा जाएंगे और भूसा अलहदा जाएगा, थ्रेशिंग ड्रम अलहदा होगा और भूसे के लिए जो दूसरा है स्ट्रॉ के लिए ड्रम अलहदा होंगे, तो ये सेपरेट हो जाएंगे और पैकिंग करके जो बोरियाँ होंगी वो भर जाएंगी। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंबाइंड हार्वेस्टर, और ये जो है उसके मेन कंपोनेंट्स दिखाए हुए हैं कि रील होगा, कटर बार होगा, अगर एलिवेटर टू सिलेंडर होगा, फ्रंट एंड रियर बीटर होंगे और थ्रेशिंग सिलेंडर होगा, कनकेव होगा, ग्रेन एलिवेटर टू टैंक एंड स्ट्रा वर्कर्स, फैन, सीव्स, ग्रेन टैंक और अनलोडिंग आगर होता है। अनलोडिंग आगर मतलब के जो उसके ग्रेन्स हैं और स्ट्रा है वो उसका अनलोड करता है। और ये मैंने उनके फंक्शन लिखे हुए हैं कि हेडर यूनिट क्या है और क्या काम करता है। ये हेडर यूनिट जो होता है उसको गैदर करता है एंड कट और कन्वे करता है क्रॉप टू द थ्रोट ऑफ फीडर। फीडर यूनिट का है इज कंसिस्ट ऑफ अंडर शूट कन्वेयर विच इज यूज टू कन्वे द क्रॉप फ्रॉम हेडर टू थ्रेशर यूनिट। ये थ्रेशिंग यूनिट है उसकी तरफ ये कन्वे करता है क्रॉप्स को। अब थ्रेशिंग यूनिट क्या होता है कि ये सिलेंडर और कनकेव प्रमोच में होता है, ये थ्रेशिंग के लिए यूज होता है। सेपरेटिंग यूनिट है कि वो स्ट्रॉ वर्कर एंड ग्रेन पैन होता है उसके अंदर, और जो स्ट्रॉज हैं और ग्रेन हैं उनको अलहदा करता है, और क्लीनिंग यूनिट इनको क्लीन करता है ताकि ग्रेन्स अपने क्लीन एक साइड पे हो जाएं और जो स्ट्रॉ है वो साइड पे हो जाए। ग्रेन टैंक है इट इज यूज टू स्टोर द क्लीन ग्रेन्स एंड ग्रेन अनलोडिंग यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ अनलोडिंग अगर टू अनलोड क्लीन ग्रेन्स फ्रॉम ग्रेन टैंक इन टू ट्रेलर और ट्रॉली। ये जो टैंक होता है वो अपना ग्रेन्स को ट्रॉली या ट्रेलर में वो अनलोड करता है और उनके अंदर डालता है। ये एक प्रैक्टिकली जो फील्ड में एक कंबाइन हार्वेस्टर यूज हो रही थी, तो उसकी ये फोटो है। आई होप कि आप लोगों को जो है ना लेक्चर की समझ अच्छी तरीके से आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जो है मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसको ब्रीफ करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।